हाई कोर्ट ने अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। आगाह करें आपको, अहम खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। आज दरख्वास्त दायर की गई थी अब्दुल अलीम खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में, और अब से कुछ देर पहले खबर ये थी कि फैसला अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया है। और अब खबर ये सामने आई है कि फैसला ये था कि दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त जमानत को मंजूर किया गया है। इसकी तफसीलात उमर शाकिर से जानते हैं। उमर शाकिर, बताइएगा, अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त जमानत पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। अदालत ने अब्दुल अलीम खान की 1-1 करोड़ रुपए के 2 मुचलकों के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त पर आज समाप्त की। आज फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया गया था, जो अब से कुछ देर कब लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुनाया है। और अब्दुल अलीम खान के 1-1 करोड़ रुपए के 2 मुचलकों के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। आज अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से अब्दुल अलीम खान के खिलाफ गवाहान की फहरिस्त अदालत में तलब कर रखी थी। अदालत के बहुत शुक्रिया।